सर्वनाम के प्रकारों के संदर्भ में टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो अब अगला है संबंध वाचक सर्वनाम द नेक्स्ट काइंड ऑफ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज संबंध वाचक सर्वनाम एंड संबंधवाचक को हम अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटेड संबंध रिलेटेड यानी संबंध उससे बना है संबंध वाचक या रिलेटिव प्रोनाउन लेट सी फ्यू सेंटेंसेस बेस्ड ऑन विच अवर लर्निंग विल टेक प्लेस आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न

बुक यू लेंट मी द बुक यहाँ वो किताब है तुमने ये किताब मुझे उधारी में दी थी ये तीन वाक्य होगा इन प्रत्येक जो पेयर है इसको यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो हम इसे एक वाक्य में बना सकते हैं तीनों पेयर को तीन वाक्य में पूरा हो सकता अभी छह वाक्य दिख रहे हैं पेयर में है और हर वाक्य में जो ए पहले वाक्य में हरी दो बार दोहराया गया दूसरे वाक्य में पेन दो बार बोला गया तीसरे वाक्य में आ, बुक दो बार बोला गया इसे हम पेयरिंग के रूप में देख के और फिर उसको जोड़कर एक सिंगल सेंटेंस बना सकते हैं जैसे आई मेट हरी जस्ट रिटर्न आई मेट हरी हरी हैड जस्ट रिटर्न अजीब सा लग रहा है तो हम क्या बोलेंगे आई मेट हरी हुड जस्ट रिटर्न मैं हरी से मिला जो अभी अभी आया सेकेंड में आई हैव फाउंड द पेन विच हैड बीन लॉस्ट आई हैड फाउंड द पेन विच वॉज लॉस्ट मुझे पेन मिल गया है जो गुम गया था मुझे पेन मिल गया है जो पेन गुम गया था ऐसा ना कह के हम उसको दोनों वाक्यों को जोड़ दिए युग्म को जोड़ दिए हियर इज द बुक दैट यू मी हियर इज द बुक दैट यू लेंट मी यहाँ वो किताब है जो तुमने मुझे दी थी यहां वो किताब है जो किताब तुमने मुझे दी थी कोई तो मतलब नहीं या जो भी नहीं यहां वो किताब है किताब तुमने मुझे दी थी ये तो अनुवाद हुआ लेकिन जोड़ने के बाद क्या हुआ जो किताब जो तुमने मुझे दी थी तो अदर वर्ड हु दैट ये आपने इसका उपयोग देखा हु विच या दैट हु का उपयोग संज्ञा के लिए हुआ हरि के लिए हु को जोड़ रहा है संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ और इसलिए वो सर्वनाम है संज्ञा के बदले प्रयुक्त किए जाने वाला जो शब्द है उसे सर्वनाम कहते हैं तो वो सर्वनाम हुआ हु दो वाक्यों को जोड़ रहा है आई मेट हरी हरी हट जस्ट रिटर्न उसे जोड़ रहा है और जोड़ रहा है इसलिए वो कंजंक्शन भी है कंजंक्शन मतलब जोड़ने वाला दो वाक्यों को जोड़ने वाला सो so इस तरह हम देखते हैं कि हु जो है वो दो तरीके का कार्य कर रहा है एक तो प्रोनाउन का भी कर रहा है और दूसरा कंजंक्शन का भी कर रहा है कुड यू गेट मी वट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट इन दिस सेंटेंस आई मेट हरी जस्ट रिटर्न इन दिस सेंटेंस हु इज कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेस एक्टिंग एज कंजंक्शन एंड हु इज ऑल्सो पॉइंटिंग एट इज बींग यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन हरी इन दिस वे वी फाइंड हु वर्ड हू इज बींग यूज इन टू डिफरेंट कनोटेशन इन टू फॉर टू डिफरेंट परपजेज सर्वनाम का भी समुच्चय बोधक का भी या कंजंक्शन का भी और इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं ऐसे शब्दों को कंजंक्टिव प्रोनाउन कंजंक्टिव प्रोनाउन कंजंक्टिव प्रोनाउन प्रोनाउन विच कनेक्ट्स इट इज अ प्रोनाउन एक्स एज ए कनेक्टर और इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि पहले आई हुई किसी व्यक्ति को बताता है किसी चीज को बता रहा है रिलेटिव किसी से संबंध बता रहा है पहले हरी आया था हरी से संबंध बता रहा है तो इसे रिलेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं क्योंकि उससे संबंध स्थापित करता है राइट right? सो so ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन एंड सो वी एव अंडरस्ट हाउ हू इज परफॉर्मिंग टू फंक्शन similarly which and that also i have found the pen which i had lost which is used as a substitute for pen noun and it is used as a conjunctive also so it is again a conjunctive pronoun similarly that is also a conjunctive pronoun in other words while talking about relative pronoun

रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन विच रिलेट्स टू द नाउन लेटस लुक एट सम फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन के कुछ प्रकार हैं जैसे एक क्वचन में नॉमिनेटिव और दूसरे में जेनेटिव केस मैंने बताया था हु एंड हु पहला है नॉमिनेटिव केस उसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम हु का उपयोग करते हैं ये दूसरा है जेनेटिव केस जिसमें में हुज एंड थर्ड इज -E, एक्यूजेटिव एक्यूजेटिव को हिंदी में आपको मैंने पूर्व में बारंबार बार बताया एक्यूज से उसका अर्थ नहीं कोई अर्थ नहीं है एक्यूजेटिव मतलब कर्म कारक हुम और ये संबंधवाचक सर्वनाम जो है हु के कर्म कारक या संबंध कारक में इस तरीके से उपयोग होता है संबंधवाचक सरनाम क्या था हु हु का नॉमिनेटिव केस क्या बना हु का जेनेटिव केस क्या बना हु किसका किसका पहला क्या है कौन दूसरा किसका जेनेटिव केस हुआ जिसे हम संबंध कारक कहते हैं और एक्यूजेटिव यानी कर्म कारक में किसको हूम किसको राइट दिस इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड This is the boy or girl it's it, common both this is the boy who works hard this is the boy whom we all praise this is the boy whom we all praise this is the boy whose exercise book is missing दिस इज द बॉय हु इज एक्सरसाइज बुक इज मिसिंग सो वी है यूजेज ऑफ संबंधवाचक सर्वनाम इन थ्री डिफरेंट केसेस संबंधवाचक सर्वनाम क्या था हु उसके हमने तीन अलग अलग उपयोग देख लिए देखा जाएगा कि एक वचन और बहुवचन चाहे पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो एक ही रूप रहता है हु एक वचन के लिए भी बहुवचन के लिए भी मैस्कुलिन के लिए भी और फेमिनिन के लिए भी ऐसे ही हूस भी एक वचन बहुवचन मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए और लास्ट होम मैस्कुलिन फेमिनिन और एक वचन बहुवचन दोनों के लिए उपयोग होता है लिंग के अनुसार या वचन के अनुसार उसमें परिवर्तन नहीं रहता यहाँ दूसरा बिंदु देखिए जो संबंधवाचक सर्वनाम है रिलेटिव प्रोनाउन विच के कर्ता कारक और कर्म कारक में एक ही रूप होता है रिलेटिव प्रोनाउन में चाहे कर्ता कारक हो या कर्म कारक हो एक ही रूप रहता है जैसे दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल दिस इज द हाउस विच बिलोंग्स टू माई अंकल द हाउस विच माई अंकल बिल्ट कॉस्ट हिम फाइव लैक्स देखिए दोनों वाक्य देख लीजिए दिस इज द हाउस

के लिए होता है एम आई क्लियर आई रिपीट अगेन संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है संबंधवाचक सर्वनाम विच इसका संबंध कारक नहीं होता लेकिन हम ऑफ हुज या ऑफ विच ऐसा उपयोग करके हुज या ऑफ विच उपयोग करने के लिए ऐसा करते हैं ओके नेक्स्ट इज अगेन संबंधवाचक सर्वनाम दैट जो आपने तीसरे वाक्य में देखा था वो दैट के एक वचन और बहुवचन में कर्ता कारक और कर्म कारक का सर्वनाम इसका एक ही प्रयोग होता ही दैट इज कंटेंट इज रिच अब देखिए ये वाक्य ही दैट इज कंटेंट इज रिच क्या मतलब हुआ संबंध कारक सर्वनाम दैट एक वचन बहुवचन और कर्ता कारक और कर्म कारक। के रूप में संबंध कारक में इसका प्रयोग होता है दैट का देखिए हमने संबंध के लिए दैट किसके लिए आ रहा है ही के लिए आ रहा ही दैट इज कंटेंट इज रिच तो दैट इज कमिंग फॉर हुम टू शो रिलेशन विथ ही बार बार ही ना बोल करके दैट इज सफाइस दैट इज सफिशंट अनदर एग्जाम्पल टू मेक द मैटर सिंपल फॉर यू इज टेक एनी थिंग उाइल दैट यू लाइक क्या हुआ टेक एनी थिंग दैट यू लाइक दैट इज कमिंग फॉर वॉट कनेक्टिंग द टू टेक एनी थिंग दैट यू लाइक जो तुम्हें पसंद है और दैट किसके लिए आ रहा है थिंग के लिए भी आ रहा है सो इट इज कमिंग फॉर बोथ करता कर्म दोनों के लिए तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल टू पुट क्लैरिटी ऑन द पॉइंट रिगार्डिंग रिलेटिव प्रोनाउन नाउ संबंधवाचक सर्वनाम वॉट को देखो वॉट का जो प्रयोग है वो केवल एक वचन में होता है नंबर वन ये याद रखिए पहले मैंने आपको बताया था हु का प्रयोग एक वचन बहुवचन सिंगुलर प्लूरल फैमिलिन मैस्कुलिन दोनों में लेकिन यहां जो है वॉट का उपयोग केवल एक वचन में पहली बार दूसरा कर्ता कारक और कर्म कारक में इसका प्रयोग एक सा है फॉर एग्जाम्पल वॉट हैज क्लियर बहुत सारी चीजें हुई होंगी लेकिन हम वॉट हैज ही बोल रहे हैंज वॉट हैपन नहीं वॉट हैज इज बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी लेकिन हम उसको एक वचन में ही प्रयोग करते हैं आई से वॉट आई मीन आई से वॉट आई मीन आई मीन इसको हम एक वचन में ले रहे हैं आई से वॉट आई मीन वॉट हीयर इज बींग यूज फॉर एक वचन ही फेल्ड इन वॉट ही अटैम्पटेड उसने जो प्रयास किए थे उसमें वह असफल हुआ अब प्रयास किए थे मैंने बहुत सारे प्रयास किए थे लेकिन हम ये नहीं बोलते दोज ही अटैम्पटेड नो हम क्या बोलेंगे वॉट ही अटेम्प्टेड वर्ड का अर्थ क्या नहीं है यहाँ पर यहाँ पर संबंध कारक के रूप में उपयोग हो रहा है प्रश्नवाचक के उपयोग में रूप में नहीं वर्ड का उपयोग प्रश्नवाचक के रूप में नहीं हो रहा है संबंध कारक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हो रहा है विच इज कनेक्टिंग द टू सेंटेंसेज विच इज ऑल्सो पॉइंटिंग आउट टू सम नाउन किसी संज्ञा के साथ बता रहा है जैसे ही फेल्ड इन वॉट ही अटेम्प्टेड तो वट इज एक वचन तो वॉट का उपयोग हमेशा एक वचन में होता है राइट right? ये हो गया संबंध कारक सर्वनाम के अब कुछ हम इसके प्रयोग जाने कुछ और थोड़ा बारीकी से जान के थोड़ा और अपनी अंडरस्टैंडिंग को आ, और थोड़ा ठीक करें यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन दो वी द यूजेस थ्रू एग्जाम्पल but let's have few more examples and more clarity on it uh, General speaking who's a preverb केवल व्यक्तियों के लिए होता है यह बात आप याद रखें generally speaking not a law generally speaking एक व्यक्तियों के लिए होता है और एकवचन बहुवचन दोनों के लिए for example the man who is honest is trusted व्यक्तियों के लिए होगा द मैन हु इज ऑनेस्ट वह व्यक्ति जो ईमानदार है उस पर लोग विश्वास करते हैं एक वचन बहुवचन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं और सामान्यतः हु का उपयोग व्यक्तियों के लिए पुरुषों के लिए सजीव के लिए होता ही प्रेड बेस्ट हु लव द बेस्ट ही प्रेड बेस्ट हु हु बेस्ट अगेन एंड दे नेवर फेल डाई इन ग्रेट कॉज दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज देखिए यहां है तो बहुवचन दे दे नेवर फेल Who, एक वचन लग रहा है लेकिन नहीं हु का उपयोग एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होता हु इन ग्रेट कॉज कॉज मैंने कारण जो बड़े बड़े कारणों के लिए मरते हैं वे लोग महान होते हैं हु डाई इन ग्रेट हु एक वचन है सामान्यता और व्यक्तियों के लिए उपयोग होता है इन द राइट विथ टू और बहुत प्रसिद्ध लाइन है दे आर स्लेव हु नॉट बी इन द राइट विथ टू और थ्री देश की एक प्रसिद्ध पत्रिका है समाचार पत्र है वो समाचार पत्र के ऊपर जो संपादकी का पृष्ठ उस पर ये लिखा हुआ है भारत के एक समाचार पत्र में दे आर स्लेव्स हु डेयर नॉट बी हु डेयर नॉट बी इन द राइट विथ टू और थ्री वे लोग गुलाम हैं जो सही मायने सही चीज के लिए दो या तीन लोगों के साथ खड़े नहीं हो सकते यानी यदि कोई सही कह रहा है भले ही उनकी संख्या एक दो या तीन हो उनके साथ आना चाहिए सो दे आर स्लेव्स देखिए स्लेव्स बहुवचन है हु एक वचन जैसा लग रहा है लेकिन नहीं है हु का उपयोग एक वचन बहुवचन दोनों के लिए होता है दे आर स्लेव हु राइट तो दिस इज अनदर एग्जाम्पल कभी कभी जानवरों के लिए भी वैसे हम हु का उपयोग कर लेते हैं दिस इज जनरली स्पीकिंग इट इज यूज फॉर पीपल बट अदरवाइज एट टाइम्स इट इज यूज फॉर एनिमल्स ऑल्सो हु का संबंध कारक जो है हुज हुज व्यक्तियों के लिए भी होता है जानवरों के लिए भी होता है निर्जीव के लिए भी होता है सन हुज रेज आर सो ब्राइट सन हूज रेज आर सो ब्राइट सूरज जिसकी किरणें इतनी तेज होती हैं अब देखिए यहाँ पे संबंध कारक है किसका हु का संबंध कारक शब्द हमने क्या लिया हुस और वैसे हु को मैंने आपको बताया कि वो सजीव के लिए नॉमली सामान्यतया होता है लेकिन उसका जो संबंध कारक है हु है वह निर्जीव के लिए भी लिया जाता है दिस इज द क्वेश्चन हु सोल्यूशन हैज टू बी फाउंड दिस इज द क्वेश्चन हुज सोल्यूशन हैज़ टू बी फाउंड ये वो सवाल है जिसका उत्तर हमें खोजना है खोजना ही होगा खोजना है हुज सोल्यूशन उसका उत्तर उसका हल निर्जीव है लेकिन ये उपयोग अंग्रेजी में सही है और हुज़ का उपयोग निर्जीव सजीव व्यक्ति तीनों के लिए होता है समझा आपने व्हाट आपने समझा हुस का उपयोग आपने समझा अब थोड़ा सा हम बढ़ते हैं विच विच का जो उपयोग है वो सामान्यतः निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है, जैसा मैंने बताया हुस का उपयोग हु का उपयोग सजीव वस्तुओं के लिए और सामान्यतः व्यक्तियों के लिए सामान्यतः था। वैसे कभी कभी जानवरों के लिए लेकिन विच का उपयोग निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए होता विच का उपयोग निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए और एक या बहुवचन इसके मायने नहीं रखते उदाहरण के लिए द मोमेंट विच इज लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवहर द मोमेंट विच इज लॉस्ट इज लॉस्ट फॉर एवर वह क्षण जो बीत जाता है वो बीत जाता है वह क्षण जो निकल जाता है वह निकल जाता है तो वह क्या है क्षण के लिए विच किसके लिए क्षण के लिए, लिए मोमेंट के लिए निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हम उपयोग करते हैं और यह एक वचन का उदाहरण दिया अब बहुवचन का उदाहरण देख लीजिए द बुक्स विच हेल्प यू आर इन ग्रेट डिमांड द बुक्स विच हेल्प यू आर इन ग्रेट डिमांड बुक्स विच हेल्प यू बुक्स बहुवचन है विच को एक वचन बहुवचन दोनों में उपयोग कर सकते हैं विच निर्जीव और जानवरों के लिए उसका प्रयोग होता है राइट right? विच का प्रयोग कभी कभी हम व्यक्ति के लिए भी करते हैं जैसे अवर फादर विच आर इन ये पुराने के उपयोग हैं लेकिन आप सामान्यतः जान के रखें कि जो है वह निर्जीव के लिए और जानवरों के लिए होता है here, which is fortunate. वो तो यहां है, अच्छी बात है सौभाग्य की बात है इट इज फॉर्चुनेट ऐसा ना बोल करके हम विच का उपयोग कर सकते हैं संबंधकारक के रूप में और उसके रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में ही इज हियर विच इज फॉर्चुनेट राइट so this way we have understood the uses of who which whose what etc whom also right with this uh, understanding of relative pronoun should have become much clearer to you all now the next topic under pronoun is of quite significance इट मेक्स अवर इंग्लिश मोर क्वालिटेटिव हमारे अंग्रेजी की क्वालिटी को बढ़ाने में मदद करता है एंड द टॉपिक इज ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन ओमिट करना मतलब उपयोग में न लाना आगे बढ़ जाना ऑमिट कर दिया आगे बढ़ गया उपयोग में नहीं लाया तो ओमिशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन बहुत बार ऐसी स्थिति आती है अंग्रेजी में ऐसा परमिसिबल है जब हम रिलेटिव प्रोनाउन का उपयोग किए बिना ही दो वाक्यों को जोड़ दें या संबंध का उपयोग कर लें उदाहरण के लिए मैन मस्ट रीप द थिंग्स दे सो मैन मस्ट रीप द थिंग दे सो रीप मतलब रीप करना मतलब फसल काटना सो so मतलब फसल बोना अब देखिए यहां मैन मस्ट रीप द थिंग्स दे सो यहां पर दे सो के पहले विच दे सो आना चाहिए विच आना चाहिए था क्योंकि विच संबंध बनाएगा विच संज्ञा के बदले उपयोग करेगा संज्ञा के बदले आएगा लेकिन बिना उसके आए भी हम वाक्य बना लेते हैं मैन मस्ट रीप द थिंग्स दे सो आदमियों को वही फसल काटने को मिलेगी जो वो बोते हैं अब जो के लिए विच शब्द जो है वो यहाँ पर ओमिटेड है वो यहाँ पर गायब है यहाँ पर उसका उपयोग किए बिना ही हमने वाक्य पूरा कर दिया तो so, ये ऐसा कभी कभी हम उपयोग करते हैं व्यक्तियों के लिए दैट का प्रयोग अधिक उपयुक्त है अतः हम द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे इसके बजाय हम मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे कहना ज्यादा ठीक मानते हैं द मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे वो ज्यादा ठीक है किंतु और भी अच्छा है यदि हम द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे बोलें तो दैट भी नहीं है विच भी नहीं है द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे वॉज फैंटेस्टिक द मीटिंग दैट आई अटेंडेड यस्टरडे द मीटिंग विच आई अटेंडेड यस्टरडे दे आर ऑल राइट बट द बेस्ट इज द मीटिंग आई अटेंडेड यस्टरडे वॉज फैंटेस्टिक द बुक आई सॉ इन द लाइब्रेरी

उसको हाइड करते हुए उसको छुपाते हुए हम सेंटेंस बना रहे हैं आई हैव ए ब्रदर आई हैव है ब्रदर नाउ आई हैव है ब्रदर हु इज टू डाई आई हैव ए ब्रदर हु इज कंडेम टू डाई अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है हु का उपयोग किया क्या बिना हु के हम यूज कर सकते हैं आई हैव ए ब्रदर कंडेम टू डाई बिल्कुल बोल सकते हैं कॉमा लगा के so, इस प्रकार हम ये देखते हैं कि कैसे कनेक्टर या कनेक्टर तो नहीं कंजंक्शन कंजंक्टिव प्रोनाउन के बिना भी या रिलेटिव प्रोनाउन के बिना भी हम कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं वाय लर्निंग अबाउट प्रोनाउन वी ऑल्सो कम अक्रॉस ए वर्ड कॉल्ड एंटीसीडेंट uh, क्या है वॉट इज एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट मतलब जो पहले आता है एंटीसीडेंट अंग्रेजी में इसका अर्थ है जो पहले आता है चल के आने वाला नहीं जो चीज पहले हुई होती है uh, हिंदी में उसे कहते हैं पूर्वगामी वॉट इज इट कॉल्ड पूर्वगामी पूर्वगामी मतलब एंटीसीडेंट नाउ देर इज अ रिलेशन बिटवीन एंटीसीडेंट एंड प्रनाउन वट इज हाउ इज इट रिलेटेड संबंधवाचक सर्वनाम या संज्ञा जिसे हम पूर्वगामी कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा इनफैक्ट एंटीसीडेंट इज नथिंग बट संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा इसकी जो संकेत करता हो इस कारण इसका वचन और पुरुष अपने पूर्वगामी के समान होता है ये सेंटेंस आप देखिए चूंकि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है मैं पुनः दोहरा दूं दो चूंकि संबंधवाचक सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करता है तो जैसा सर्वनाम वैसा ही संबंधवाचक इसका वचन पुरुष वचन अपने पूर्वगामी के समान होना चाहिए कुड यू गेट मी इट मींस देर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पूर्वगामी एंटीसीडेंट एंड संबंधवाचक द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड द बॉय हु वॉज लेजी वॉज पनिश्ड हु क्या है बॉय को बता रहा है लेकिन हु के बाद वॉज है कि वर है वर नहीं है क्योंकि बॉय एक वचन है तो इसलिए वहां वॉज आएगा तो ये जो टॉपिक है इस टॉपिक में आपको ये समझाने की कोशिश है कि दोनों के बीच में एग्रीमेंट समझ होनी चाहिए किन दोनों के बीच में संबंधवाचक सर्वनाम और संज्ञा या सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम और उसके पहले क्या आता है संज्ञा आया है या सर्वनाम आया है जिसे हम पूर्वगामी कह सकते हैं जिसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं द बॉय द बॉय क्या है एंटीसीडेंट है और उसके लिए क्या संबंधवाचक है हु है बॉय एक वचन है कि बहुवचन है एक वचन है तो हु के साथ एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा एक वचन आएगा दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट जिसे हिंदी में अन्वय कहते हैं अन्वय से ज्यादा सरल आपके लिए होगा समझने में एग्रीमेंट दोनों के बीच में मिलान यदि ये एक वचन है संज्ञा या सर्वनाम तो संबंध कारक भी एक वचन होगा यदि ये स्त्रीलिंग है तो संबंध कारक भी स्त्रीलिंग होगा यदि ये बहुवचन है या पुल्लिंग है तो वो भी बहुवचन या पुल्लिंग होगा यही आपको समझना है द बॉयज बीन पनिश द बॉयज वर लेजी द बॉयज बॉयज का हुआ बहुवचन द बॉय हु इज लेजी एक वचन तो इसलिए हु के बाद इज आया हु boys? जैसे बॉयज बहुवचन हुआ who were हु वर हो जाएगा आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम आई एम एक वचन है तो दैट के बाद क्या आया इज एग्रीमेंट दैट के बाद क्या आया इज एग्रीमेंट होना चाहिए एक वचन हो तो एक वचन आगे आएगा आई एम द पर्सन दैट इज टू ब्लेम जिसे दोष देना होगा मुझे दोष देना होगा वी हु प्रोटेक्शन आर स्ट्रेंजर्स वी हु प्रोटेक्शन आर strangers स्ट्रेंजर मतलब नवांतुक अजनबी स्ट्रेंजर मतलब अजनबी सीख मने अनुरोध करना वी प्रोटेक्शन यानि रक्षा वी हु सीक योर प्रोटेक्शन वी एक वचन है कि बहुवचन है बहुवचन इसीलिए सीख है क्रिया में एस नहीं लगा है योर प्रोटेक्शन और उसके लिए अब क्या आया आर स्ट्रेंजर थीयर आर आया बहुवचन क्योंकि वी बहुवचन है